हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशन किया था। उस क्लाइमेट रिलेटेड डिस्कशन में हम लोगों ने काफी कुछ बात किया था, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड अकॉर्डिंगली एयर सर्कुलेशन किस तरीके से हो रही है, इंडियन मॉनसून किस तरीके से आ रही है, और इन सब चीज के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रखा है। इस क्लास में उसी कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे, और हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, लाइक एल नीनो, ला नीना, एनसो, सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन ओशियन डाइपोल, और मोस्ट रिसर्च्ड टॉपिक मैट जूलियन कॉन्सेप्ट। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या कुछ है, कैसे है इसके बारे में, और क्या कुछ नई रिसर्च आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल एज दीज आर द ऑनगोइंग कोर्सेज ऑन यूट्यूब, जो कि प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एज वेल एज टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एल नीनो के बारे में बात करें तो एल नीनो बेसिकली एक मॉनसूनल इन्फ्लुएंसिंग फिनोमिना है, जो बेसिकली नेचुरल कॉज की वजह से हो रही होती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं हुई है, और लगातार इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। इसके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली एल नीनो और ला नीना दो अलग अलग, एक ही जैसी बट अपोजिट फिनोमिना होती है, जिसे हम एल नीनो या सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जान रहे होते हैं। सदर्न ऑसिलेशन एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस होती है, और दिस इज समथिंग रिलेटेड विद एल नीनो। क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद से इसकी थ्योरी को हम लोग देखेंगे क्या कुछ है। तो यहां पर आप आ जाएंगे तो बेसिकली यहां पर आपको मैप दिखेगा देखने को, यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज बेसिकली एशिया, जहां पर हमारी ये इंडिया आ जा रही होती है। इसके अलावा यहां पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर बना हुआ है साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका में यहां पर आपको पेरू करंट दिख रही होगी, पेरू बेसिकली दिख रहा होगा यहां पर, ये चिली और फिर अर्जेंटीना, इस तरीके से यहां पर कंट्रीज बने होते हैं। अगर हम लोग ओशियनिक करंट के बारे में बात करें तो पेरू के पास में यहां पर एक ओशियन करंट बह रही होती है, जिसको बोला जाता है क्या चीज, पेरुवियन करंट। दिस इज बेसिकली पेरुवियन करंट, या इसी को हम लोगों ने बोला था हम्बोल्ट करंट। तो ये बेसिकली करंट जो होती है वो कोल्ड करंट होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे कोल्ड करंट बह रही होती है। इस कोल्ड करंट के कारण से यहाँ का टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, और इस लो टेम्परेचर के कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाती है। तो हाई प्रेशर बन गया, यानी अगेन इसका अगर अपर एयर सर्कुलेशन के साथ में इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनी हुई है, अगर ये पेरू का इलाका है तो। हाई प्रेशर बनी है तो सीधी सी बात है यहां पर एयर का सब्सिडेंस हमें देखने को मिलेगा, तो एयर जो होती है यहां पर सबसाइड कर रही होगी, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके जस्ट ऊपर में आपको लो प्रेशर बना हुआ होगा, और हाई प्रेशर पे जैसे ही सबसाइड करेगा ऑब्वियसली इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल साइड में चलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल साइड में जो मूवमेंट होगी बेसिकली अगर यहां पर देखें तो ये बेसिकली सब्सिडेंस हो रही है, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है किधर के साइड में, ऑस्ट्रेलिया के साइड में। इस ऑस्ट्रेलिया के साइड में यहां पर ईस्टवर्ड करंट, इनफेक्ट यहां पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बनी होती है, जो कि हाई टेम्परेचर होती है, गर्मी काफी होती है, तो हाई टेम्परेचर के कारण से यहां पर लो प्रेशर बना होता है। इस लो प्रेशर के कारण से एयर जो होती है वो राइज कर जा रही होती है, और राइज करके इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इस साइकिल को अगर हम लोग एक्चुअल विजुअलाइजेशन करें तो यहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गई है एयर की, यहां पर आपकी पेरू है, और यहां पर हमारी ऑस्ट्रेलिया आ जा रही होती है। इस ऑस्ट्रेलिया के पास में यहां पर एक पोर्ट पाया जाता है जिसका नाम है डार्विन पोर्ट। दिस इज बेसिकली डार्विन पोर्ट, बंदरगाह है, ठीक है। अब यहां पर देखिए लो प्रेशर बना हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, बिकॉज ऑफ द ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट के कारण से अब यहां पर लो प्रेशर बना है, तो हवा गर्म होगी, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो 100% एक बात की श्योरिटी है यहां पर कि जैसे ही ऊपर उठेगी वैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी, और इस क्लाउड फॉर्मेशन के कारण से यहां पर रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। इस रेनफॉल के कारण से इस इलाके में अच्छी खासी रेन्स हो जाएंगी, और रेन करके अल्टीमेटली ये जो एयर है वो वापस से साइकिल कंप्लीट कर देगी। इस तरीके से यहां पर हाई प्रेशर बन गया है और लो प्रेशर बन गया है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जा रही होती है। इस साइकिल को सबसे पहले जो डिस्कस किया गया था वो डिस्कस किया गया था एलन वॉकर के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग वॉकर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है जो नेचुरल फिनोमिना होती है। इस नेचुरल फिनोमिना के कारण ही यहां से जब एयर राइज करती है
तो अल्टीमेटली ये एयर राइज करके इंडिया के इस पार्ट में भी जाकर के सबसाइड कर रही होती है। और इस एरिया में ये मान लेते हैं इक्वेटर है, और आपको पता है कि यहां पर अगेन हाई प्रेशर बना हुआ होता है, तो इस हाई प्रेशर के कारण यहां पर सबसाइड हुई, और सबसाइड करने के बाद हवा आपको पता है साउथ ईस्ट विंड बन करके इस तरीके से मूवमेंट करके इंडिया की ओर में जाकर के स्ट्राइक कर जाती है, जहां पर हैवी रेनफॉल यहां पर हमें देखने को मिल जा रही होती है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जा रही होती है और यहां पर हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाता है। ये होती है जो नेचुरल फिनोमिना होती है, दिस इज बेसिकली जो नेचुरल फिनोमिना। और इस तरीके से जब हमें सिस्टम मिलता है तो इस सिस्टम को हम लोग मॉनसूनल सिस्टम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये ला निना फिनोमिना है। ला निना, तो फिर एल निनो क्या होती है? एल निनो एक्चुअल में ठीक रिवर्सल इसका हो जाती है। रिवर्सल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग अगर देखें वापस से, तो यहां पर देखिए करंट तो आपकी अभी भी पेरुवियन करंट ही है, और यहां पर इस इलाके में पेरू के पास में जो ये हाई टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर बना हुआ था बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट, यहां पर कुछ स्पेशल फिनोमिना होना शुरू हो जाती है, और ये स्पेशल फिनोमिना को बोला जाता है अपवेलिंग। यहां पर अपवेलिंग होना शुरू हो जाती है, कहां पर? इस इलाके में, यहां पर इस इलाके में अपवेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखिए अभी भी रिसर्च हो रही है, लेकिन कुछ रीजन अभी भी सामने आए हैं, जैसे नंबर वन बर्ड ड्रॉपिंग, मतलब चिड़िया जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट यहां पर रिलीज कर देती है, जिसके कारण से यहां की जो टोपोग्राफी है वो ऐसी कुछ हो जाती है जिसके कारण से जो पानी है, जो करंट है, जो यहां पर कह लीजिए बीनीथ वाटर है, वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ये इलाका गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण से जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर बना हुआ था वो अब हाई टेम्परेचर बन जाता है, और इस हाई टेम्परेचर के कारण से जो प्रेशर हाई प्रेशर बना था वो लो प्रेशर में तब्दील हो जा रहा होता है। इस लो प्रेशर के कारण फिर सिस्टम, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज हो रही है। दूसरी अगर यहां पर रीजन देखें, एक रीजन तो हम लोगों ने देखा बर्ड ड्रॉपिंग, दूसरी जो रीजन होती है वो होती है डेंसिटी डिफरेंशिएशन। डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण से भी इस इलाके में हमें अपवेलिंग देखने को मिल जा रही होती है। हालांकि और भी बहुत सारे रीजन है, बट अभी भी वो रिसर्च हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग अभी कुछ खास नहीं जानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर यहां का जो लो बना हुआ था वो हाई टेम्परेचर में बदल गया है, जिसके कारण से प्रेशर इसकी लो प्रेशर में बदल गई है। इस लो प्रेशर के कारण जो पहले सरफेस हमारा यहां पर एयर सबसाइड कर रही होती थी, अब वो सबसाइड करने की बजाय एयर राइज करना शुरू कर देगी। तो एयर जैसे ही राइज करेगी, सीधी सी बात है यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस क्लाउड फॉर्मेशन के कारण इस इलाके में ऑब्वियसली रेनफॉल हमें देखने को मिल जाएगी, और इस रेनफॉल के कारण इस इलाके में, किस इलाके में? पेरू वाले इलाके में फ्लडिंग देखने को मिल जा रही होती है। ये फ्लडिंग जो होती है वो बेसिकली हर 2 से 3 साल के बीच में आ रही होती है, कई बार 5-7 साल भी लग जाता है, लेकिन यहां पर फ्लडिंग जो है वो अनयूजुअल अननेचुरल फिनोमिना के रूप में देखी जा रही होती है, बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग ये चीजें हो जा रही हैं। और अगर यहां पर ये अपवेलिंग हो गई है, यहां पर ये एयर ऊपर की तरफ राइज की है, तो जो एयर आ रही होती थी वो वापस से इस तरफ चली जा रही होती है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ऑस्ट्रेलिया के साइड में जाएगी, तो जहां पर हमें ऐसा क्लाउड बन रहा होता था वहां पर बेसिकली सब्सिडेंस ऑफ एयर देखने को मिल जाती है, जिसके कारण से जो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन पोर्ट लो प्रेशर पे बना था वो अब हाई प्रेशर पे चला आता है। तो बेसिकली जो साइकिल इस तरीके से क्लॉकवाइज बनी हुई थी वो चेंज होकर के रिवर्सल के कारण से अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। तो बेसिकली ये जो साइकिल थी अब वो पलट गई है और इस तरीके से कंप्लीट हो गई है, यहां पर रिवर्सल ऑफ द साइकिल देखने को मिल जा रहा होता है। इस रिवर्सल के कारण से बेसिकली अगर ये वाली साइकिल नंबर 1 हमारी अगर इंपैक्ट हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है साइकिल नंबर 2 भी इंपैक्ट होगी, और इस साइकिल 2 में भी अगेन यहां पर जो हाई प्रेशर बना हुआ है ये नहीं बन पाता, और अल्टीमेटली रिवर्सल यहां पर भी हमें देखने को मिल जा रही होती है। इस रिवर्सल के कारण से यहां पर इस तरीके से रिवर्सल मिल जा रही होती है। इस रिवर्सल के कारण से ऑब्वियसली जो विंड इस इलाके में गिर करके और ज्यादा साउथ ईस्ट विंड को और ज्यादा सॉरी साउथ वेस्ट विंड को और ज्यादा जो
बूस्ट कर रही थी वो अब नहीं बूस्ट कर पाती है, जिसके कारण से इंडिया में जो बारिश होती वो बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण से इंडिया में रेनफॉल काफी स्कैंटी, काफी कम या फिर ड्रॉट रीजन घोषित कर दिया जाता है। ये जो रिवर्सल ऑफ द साइकिल हुआ, इसी रिवर्सल ऑफ द साइकिल को हम लोग बोलते हैं, वन सेकेंड, इस रिवर्सल ऑफ द साइकिल को हम लोग बोलते हैं एल नीनो कंसेप्ट। तो ये बेसिकली हो जाती है एल नीनो, जहां पर बेसिकली रिवर्सल हुआ है। ये जो पूरी रिवर्सल की कहानी है ये होती है दिसंबर के महीने में, इनफैक्ट दिसंबर में भी, लास्ट ऑफ द दिसंबर, 25 दिसंबर को होती है, जिस समय हमारे क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। और इसीलिए एल नीनो को कई बार हम लोग चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से भी जान रहे होते हैं, इसका नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी बोला जा रहा होता है। तो ये थी पूरी की पूरी एल नीनो की कहानी, काफी डिटेल में और काफी टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने समझा कि आखिर में क्या इसकी फिनोमिना है, क्या चीज हो रही होती है। समझ में आया? इसके बारे में अगर देखें तो एल नीनो, इट इज एल नीनो आर और ला नीना, ये दोनों क्या है, अपोजिट हो जाते हैं। व्हाट इज नोन एट एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, हालांकि अभी हम लोगों ने सदर्न ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में एल नीनो मतलब सदर्न ऑसिलेशन के बारे में भी डिस्कस। इसके आगे देखें, एनसो साइकिल इज अ साइंटिफिक टर्म दैट डिस्क्राइब द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर बिटवीन ओशियन एंड एटमोस्फियर इन द ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक। अब देखिए थोड़ा सा सदर्न ऑसिलेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, और यहां पर सिस्टम को जरा इरेज करते हैं और जरा देखते हैं कि यहां पर सदर्न ऑसिलेशन का क्या फंडा है। तो देखिए सदर्न ऑसिलेशन बेसिकली बोली जा रही होती है प्रेशर डिफरेंस को। ये जो प्रेशर डिफरेंस बेसिकली यहां पर नोट किया जाता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, जहां पर हम प्रेशर ले रहे होते हैं इस पॉइंट का और दूसरा इस पॉइंट का। यहां पर जो पॉइंट है बेसिकली वो हो जाती है पैसिफिक ओशियन की। इस पैसिफिक ओशियन पे इस पॉइंट का नाम जो बोला जाता है वो है ताहिती, और यहां पर आपको पता ही है कि ये डार्विन पोर्ट है, दिस इज डार्विन पोर्ट। अब देखिए जब ताहिती, अब सदर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस किसका होता है, ताहिती का प्रेशर माइनस डार्विन का प्रेशर, ये बेसिकली निकाला जाता है। इस ताहिती के प्रेशर और डार्विन के प्रेशर की दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव और दूसरी हो सकती है निगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर मान लेते हैं ताहिती का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू डार्विन का प्रेशर, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इसको हम लोग बोल देते हैं निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन। ये पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन बेसिकली रिलेटेड है किससे, ला नीना से, और जो यहां पर निगेटिव है वो रिलेटेड है एल नीनो से। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन एल नीनो के साथ में एसोसिएट हो जाता है, और इस तरीके से जो फ्लिपिंग हो रही होती है सदर्न ऑसिलेशन पॉजिटिव एंड देन निगेटिव एंड देन निगेटिव टू पॉजिटिव, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एल नीनो ला नीना सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो ला नीना सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि ये बेसिकली एल नीनो ला नीना से ही एसोसिएटेड होता है। तो बेसिकली ये जो दोनों कंसेप्ट थे एल नीनो ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन के, हैं तो एक ही लेकिन तरीका अलग अलग है। सदर्न ऑसिलेशन में बेसिकली प्रेशर डिफरेंस देख रहे होते हैं, और जबकि एल नीनो में हम लोग पूरी की पूरी रिवर्सल ऑफ द साइकिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी बेसिकली क्या चीज है यहां पर। तो यहां पर एल नीनो इट रिफर्स टू अ पीरियोडिक वार्मिंग इन द सी सरफेस, वही अपवेलिंग वाली बात हो गई, ठीक है, अक्रॉस द सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मोर देन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 5 सक्सेसिव ओवरलैपिंग 3 month सीजन। एल नीनो इवेंट अकर इरेग्युलरली, तो 2 to 7 ईयर, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि हर 2 to 3-5 साल इस तरीके से जो होता है ये रिपीट हो रही होती है। तो जो वार्म ओशियन करंट होती है इक्वेटोरियल पैसिफिक की, मतलब कि जो आपके पेरू के पास में हो जाती है, इट इंक्लूड्स लार्ज स्केल एनोमली इन द एटमोस्फियर, और इस तरीके से यहां पर जो सिस्टम है बेसिकली वो पलट जाता है, रेनफॉल इक्वाडोर और नदन पेरू के पास में ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और यहां पर फ्लडिंग और इरोजन कंडीशन आ जा रही होती है। स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट आर एसोसिएटेड विद ड्रॉट इन इंडोनेशिया, मतलब वही साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडिया के केस में भी हमें यही सी चीज देखने को मिल जा रही होती है। जबकि वही बात करें अगर साउथ अमेरिका में तो हमें फ्लडिंग सिचुएशन देखने को मिल जा रही होती है, ठीक है।
तो ये हुई एलनिनो की कहानी। लानिना देख लें, सीधी सी बात है अपोजिट होगा, तो अपोजिट की कहानी देख लेते हैं क्या चीज है। तो ये बेसिकली साइक्लिकल काउंटर पार्ट टू एलनिनो, यानी बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अपोजिट ऑफ एलनिनो, कंसिस्टिंग ऑफ ए कूलिंग ऑफ सर्फेस वॉटर ऑफ पैसिफिक ओशन अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इट हैज लेस इफेक्ट इन यूरोप बट इट डज एक्सटेंड टू लीड अ माइल्ड विंटर इन नॉर्दर्न यूरोप एंड कोल्डर विंटर इन द सदर्न और ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप। जैसे होता क्या है, कोई भी एटमोस्फियरिक या कोई भी ओशियनिक फिनोमिना केवल और केवल एक रीजन में कंसंट्रेट नहीं होती है, बेसिकली इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें पूरे वर्ल्ड के हर जगह पर देखने को मिल जा रही होती है। सेम वही चीज यहां पर भी है कि लानिना का इफेक्ट यूरोप में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा मोड़ा इफेक्ट हमें साउथ साउथ वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिल जा रही होती है, जहां पर जो स्नो है वो बेसिकली इट इज लीडिंग टू द स्नो इन द मेडिटेरेनियन रीजन। बाकी वर्ल्ड में जो कुछ खास यहां पर अंतर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो मेन अंतर देखने को मिलता है वो इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, इस इलाके में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आती है हमारी पूरी की पूरी, हम लोगों ने देखा एल निनो लानिना के बारे में, सदर्न ऑसिलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियन ओशियन डायपोल। व्हाट इज दिस इंडियन ओशियन डायपोल? अगेन इंडियन ओशियन डायपोल एक तरीके का इंडियन निनो है, जैसे एल निनो लानिना होता है वैसे ही इसको हम लोग इंडियन निनो के नाम से बोलते हैं। यहां पर होता क्या है कि हम लोग इंडियन ओशियन के ही दोनों साइड के टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को नाप रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, और ये जो टेम्परेचर है बेसिकली वो सी सरफेस टेम्परेचर होता है जो वार्मर और कूलर साइड में बदल रहा होता है। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो आप समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज है। ये हमारी पूरी की पूरी यहां पर इंडियन ओशियन आ जाती है, दिस इज इंडियन ओशियन। यहां पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, और यहां पर हमारी अरेबियन सी आ जाती है, अरेबियन सी। अब यहां पर केस ये है कि इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बना होता है। इस हाई प्रेशर का मतलब होता है कि यहां पर टेम्परेचर लो बना हुआ है, तो दिस इज लो टेम्परेचर। इस तरीके से यहां पर हवा जो होती है वो चेंज करके ऐसे आ जा रही होती है। इसका सिस्टम होता है कि अगर मान लीजिए इस इलाके में, अगर इस इलाके में हमें हाई प्रेशर मिलती है, दिस इज अगर हाई प्रेशर, और इस इलाके में अगर लो प्रेशर मिलती है तो हमें एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है, यानी कि मॉनसूनल एक्टिविटी हमें स्ट्रांग होती हुई मिल रही होती है। इसी सिस्टम को अगर आप सरफेस के टेम्परेचर में अगर बदल देंगे तो यहां का टेम्परेचर T1 और यहां का टेम्परेचर अगर T2 है तो बेसिकली T2 माइनस T1 अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि अगर लो प्रेशर है तो टेम्परेचर हाई हो जाएगी। और इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशियन डाइपोल। ये इंडियन ओशियन के ही टेम्परेचर को हम लोग नाप रहे होते हैं और इस तरीके से यहां पर इंडियन ओशियन डाइपोल बन जाता है। अगर इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव बनती है तो मॉनसून अच्छी आएगी, क्योंकि यहां पर प्रेशर स्ट्रांग बनेगा और इस प्रेशर के कारण से जो मॉनसूनल एक्टिविटी होने वाली है, जो साउथ वेस्ट विंड्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे अटैक करेंगी वो स्ट्रांगली अटैक करेंगी और इस तरीके से बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन वही अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू अगर निगेटिव अगर मुझे देखने को मिलेगी तो निगेटिव के कारण से ऑब्वियसली जो मॉनसूनल एक्टिविटी होगी वो उस साल उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ड्रॉट सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर स्ट्रांगली हाई प्रेशर नहीं बन पाया है और हाई प्रेशर नहीं बन पाने के कारण मॉनसूनल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये इंडियन ओशियन का कंसेप्ट डिस्कस में समझ में आ गया होगा क्या चीज है। फटाफट देख लेते हैं क्या चीज है। तो इंडियन ओशियन डायपोल, इसको हम लोग इंडियन निनो के नाम से भी जानते हैं, जो कि इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर है, जस्ट लाइक एल निनो। एल निनो में भी क्या होता है, इरेगुलर ऑसिलेशन होती रहती है। ये जो ऑसिलेशन होती है वो बेसिकली इंडियन ओशियन में ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में होती रहती है और इस तरीके से कोल्ड और वार्मर सिस्टम बना हो रहा होता है। इंडियन ओशियन डायपोल इन्वॉल्व्स एन पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड निगेटिव। न्यूट्रल का तो कुछ खास मतलब नहीं होता है, ये तो ठीक ठीक सी बारिश कर गई, यहां पर स्ट्रांग बारिश हो जा रही होती है और यहां पर ड्रॉट सिचुएशन हो जा रही होती है। अब पॉजिटिव सी, पॉजिटिव फेज सी इज ग्रेटर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर एंड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन वेस्टर्न इंडियन ओशियन, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस ही किए हुए थे, और इस कारण से ड्रॉट सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है इंडोनेशिया या साउथ ईस्ट एशिया के साइड में।
सिमिलरली निगेटिव फेज अगर देखेंगे तो वही उल्टा हो जाएगा, इंडिया के साइड में ड्रॉट देखने को मिलेगी और हायर प्रेसिपिटेशन हमें इंडियन ओशियन के मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन साइड में देखने को मिल जाती है। इंडियन ओशियन डायपोल ऑल्सो अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मॉनसून ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन ओशियन डायपोल इज वन एस्पेक्ट ऑफ जनरल साइकिल ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इंटरैक्टिंग विद सिमिलर फिनोमेना लाइक एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन एंड पैसिफिक ओशियन। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, बस हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल जा रही होती है। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, वो ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करेंगे इसी चीज को, कि हम लोगों ने देखा एल नीनो, हम लोगों ने देखा एल नीनो और ला नीना, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा सदर्न ऑसिलेशन, फिर हम लोगों ने देखा इंडियन ओशियन डायपोल। इन तीनों फिनोमिना में ये बताइए सिस्टम डायनामिक है या सिस्टम स्टैटिक है। अब क्वेश्चन ये उठता है सिस्टम डायनामिक और स्टैटिक का मतलब क्या चीज होता है। देखिए डायनामिक का मतलब ये होता है कि इलाका चेंज हो रहा है क्या, नहीं, इलाका पोजीशन वही है, बस रिवर्सल देखने को मिल जाती है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बेसिकली प्रेशर या फिर इसी को बोल सकते हैं सी सरफेस टेम्परेचर। जितनी भी लोकेशन हम लोगों ने देखी है वो सारी लोकेशन हमारी फिक्स थी, जिसके कारण से हम लोगों ने ताहिती और डार्विन ये दो इलाके देखे थे जहां पर हम लोग प्रेशर डिफरेंस देख रहे थे। सिमिलरली इंडियन ओशियन डायपोल में भी हम लोग वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड के हम लोग सिस्टम को कंपेयर कर रहे थे, सी सरफेस टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे थे, यानी इलाका स्टैटिक है। लेकिन अगर यही इलाका स्टैटिक की बजाय डायनामिक होना शुरू हो जाए तो सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम होता है लेकिन अगर सिस्टम डायनामिक हो जाती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं MJO। दिस इज नॉट मेक जोक बल्कि ये है मेडन जूलियन ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट। फटाफट स्टार्ट करते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट ये बेसिकली 1919 के दौरान में ये कॉन्सेप्ट आया था, मेडन जूलियन ने ही इसको डिस्कस किया था और ये बेसिकली डायनामिक कॉन्सेप्ट है। अब ये डायनामिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या चीज है देखते हैं फटाफट क्या चीज है। तो मेडन जूलियन अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अरेबियन सी आर्म ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इज काउंटिंग ऑन इटिनरी मेडन जूलियन ऑसिलेशन वेव फॉर नॉर्मल मॉनसून। इसमें होता क्या है, सेम वही इंडियन ओशियन डायपोल वाला ही फंडा है कि जहां पर वेस्टर्न साइड में अगेन हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल होती है, मतलब कि यहां पर हाई प्रेशर होती है, और वही दूसरी तरफ ईस्ट साइड में होती है जहां पर हमें बेसिकली निगेटिव साइड देखने को मिलती है, यानी कि यहां पर लो प्रेशर बनी होती है और इस कारण से जो मॉनसूनल एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाती और इस तरीके से हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर मॉनसून हमारी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, दिस सिस्टम एक्चुअली मूव्स, ये सिस्टम एक्चुअली मूव कर रहा होता है। कैसे मूव करता है अभी हम लोग देखते हैं। तो इट इज एन ओशियानिक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना विच अफेक्ट वेदर एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब। देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, क्यों, क्योंकि अगेन मूविंग होता है या फिर डायनामिक होता है ये। इट ब्रिंग्स मेजर फ्लक्चुएशन इन ट्रॉपिकल वेदर ऑन वीकली टू मंथली टाइम स्केल। इट कैन डिफाइन एज ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ क्लाउड। तो ये मूवमेंट देखिए किधर हो रहा है, ईस्टवर्ड साइड में मूवमेंट हो रही है, तो ये बेसिकली ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ पल्स ऑफ क्लाउड होती है जहां पर रेनफॉल विंड इस तरीके से जो सिस्टम होती है वो हर 30 से 60 दिन पे चेंज होती रहती है। तो बेसिकली एक महीने से दो महीने के बीच में ये इलाका इस तरीके से MJO के अंतर्गत आ जाता है। तो इट इज अ ट्रैवर्सिंग मतलब कि मूविंग फिनोमिना एंड इज नॉट प्रोमिनेंट ओवर द इंडियन और पैसिफिक ओशन। तो किसी स्पेसिफिक का नहीं होता है, इंडियन के लिए भी होती है, पैसिफिक के लिए भी होती है और साथ ही साथ अटलांटिक ओशन के लिए भी होती है। इसके अगर फिगर के बारे में बात करें तो फिगर देखिए इस तरीके से होता है। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज सपोज आवर इक्वेटर। इस इक्वेटर पे आपको यहां पर इस तरीके से साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगी और यहां पर हमें नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अफ्रीका का रीजन आ जाता है इस तरीके से और यहां पर यूरोप का पार्ट आ जाता है। इस यूरोप के पार्ट के बाद अल्टीमेटली यहां पर इंडिया बन जाती है, इस तरीके से इंडिया आ जा रही होती है। हालांकि इंडिया थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद से यहां पर आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे आइलैंड्स यहां पर है और फिर अल्टीमेटली सिस्टम हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन मूव करते हुए अगर इस एरिया में है, सपोज इस एरिया में है, तो रेनफॉल किधर करेगा, ऑब्वियसली इसी इलाके में करेगा, ठीक है।
इस इलाके को जब लगातार ये मूव कर रहा होगा और जब ये मूव करते करते इस इलाके में पहुंचेगा मेडन जूलियन और अल्टीमेटली मूव करके अगर इंडिया के इस पार्ट में पहुंचेगा तो क्या होगा। तो इस पार्ट में अगेन यहां पर हाई प्रेशर बनी हुई है, इस हाई प्रेशर को और ज्यादा मेडन जूलियन स्ट्रांग करेगा और जो ये साउथ ईस्ट विंड्स यहां से साउथ वेस्ट विंड्स जो आ रही है वो और ज्यादा स्ट्रांगली हिट करेंगी और ज्यादा बारिश कर रही होंगी। इस मेडन जूलियन के बारे में एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये इक्वेटर के अलोंग ही मूव कर रही होती है। तो इक्वेटर के नियर अबाउट कह सकते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ इस फिनोमिना में स्ट्रांगली ये फिनोमिना बिहेव कर रही होती है। तो बेसिकली ये होती है मूवमेंट और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दिस मूवमेंट इज बेसिकली ईस्टवर्ड मूवमेंट और इस कारण से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो इस मेडन जूलियन कॉन्सेप्ट के कारण से इंपैक्ट हो रहा होता है। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट और फेज स्ट्रॉन्ग एमजीओ एक्टिविटी ऑफन डिसेक्ट प्लैनेट इनटू टू हाल्व्स। तो दो पार्ट में इस तरीके से तोड़ देता है, फर्स्ट हाफ जो कन्वेक्टिव फेज होती है और दूसरी होती है जो सप्रेसिव होती है। कन्वेक्टिव का मतलब जहां पर वेस्टर्न साइड होती है और सप्रेसिव मतलब जहां पर कन्वेक्टिव फेज मतलब कि लेफ्ट साइड या फिर कह सकते हैं ईस्टर्न साइड हो जाती है। तो जो रेनफॉल हमें ज्यादा देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है वेस्टर्न साइड में, क्योंकि यहीं पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो कंसेप्ट होता है वो स्ट्रांगली डेवलप हो पाता है। इनहेंस रेनफॉल कन्वेक्टिव फेज में यानी कि इस इलाके में यानी कि वेस्टर्न इलाके में देखने को मिलती है और वही अदर साइड में हमें एक लीवर्ड साइड या फिर कह लीजिए कि ड्रॉट रीजन देखने को मिल जाता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम लोग पूरा थ्योरी देख सकें। तो इनहेंस रेनफॉल यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर हमें विंड एट स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड एयर पुश्ड अप टू थ्रू आउट द एटमोस्फियर देखने को मिलेगा और इस तरीके से विंड रिवर्सल होकर के कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, जबकि सप्रेस्ड रेनफॉल में उल्टा हो जाएगा और वहां पर हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। दिस एंटायर डाइपोल स्ट्रक्चर दैट मूव वेस्ट टू ईस्ट या फिर बोल सकते हैं कि ईस्टवर्ड मूवमेंट विद द टाइम इन द ट्रॉपिक्स कॉजिंग मोर क्लाउडिनेस रेनफॉल एंड इवन स्टॉर्मिनेस इन द एनहांस्ड कन्वेक्टिव फेज एंड मोर सनशाइन एंड ड्राइनेस इन द सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेज। समझ में आ गया क्या केस है इसके? अगर फोटोग्राफ को देखें तो देखिए यहां पर ये बेसिकली ईस्टवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक साइड में जहां पर एयर राइज कर रही है, एयर राइज करेगी तो सीधी सी बात है यहां पर क्लाउड्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे और क्लाउड के कारण से यहां पर हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिल जाएगी। किस साइड में? इस साइड में। कौन सा साइड है? वेस्टर्न साइड है और इस वेस्टर्न साइड में ही बेसिकली कन्वेक्टिव सेल्स मिल रही होगी और इस कन्वेक्टिव सेल में रेनफॉल होगा ही होगा। तो देख सकते हैं कि इक्वेटर के अलोंग ये मूव कर रही है। अब मूव करते करते जब एयर दोनों साइड में मूव कर जाएगी तो एक साइड में फिर यहां पर सबसाइड करना शुरू कर देगी, डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाएगा। ये इलाका हो गया जो ईस्टवर्ड साइड का है जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। दिस इलाका इज सप्रेस्ड कन्वेक्टिव सेल और यहां पर बेसिकली ड्रॉट रीजन होती है क्योंकि यहां पर बारिश नहीं होती है, सब्सिडेंस ऑफ एयर होती है और यहां पर क्लियर स्काई पाई जाती है। ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, देख सकते हैं आप पूरा सिस्टम मूव कर रहा है और ये इन दोनों के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये एटलीस्ट 2 to 3 किलोमीटर के बीच की दूरी है। मतलब ये सरफेस है, यहां देख सकते हैं सरफेस है, ये इलाका आपका ऑस्ट्रेलिया का इलाका हो गया, यहां पर देखिए इंडिया का इलाका है, इंडिया के ऊपर ये मतलब डेवलप हो रखा है, फिर यहां पर जो होती है अफ्रीका का पार्ट हो गई, यहां पर ये यूरेशिया हो गया। तो इस तरीके से मूवमेंट करते करते आगे पहुंच जा रहा होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि एमजीओ किस तरीके से इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि जब ये स्ट्रांगली हाई प्रेशर डेवलप करेगा तो ऑब्वियस ही बात है साउथ वेस्ट मॉनसून जो इंडिया में स्ट्रांगली एंटर कर रही है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इस तरीके से इंडियन मॉनसून को ये इंपैक्ट करेगा। तो इंडियन ओशियन डायपोल, एल नीनो एंड एमजीओ ये सारी की सारी ओशियानिक एटमोस्फेरिक फिनोमिना होती है जो कि वेदर को लार्ज स्केल पे इंपैक्ट कर रही होती है। इंडियन ओशियन डायपोल ओनली पर्टेन्स टू द इंडियन ओशियन बट द अदर टू अफेक्ट वेदर ऑन ग्लोबल स्केल अप टू द मिड लैटिट्यूड। इंडियन ओशियन डायपोल एल नीनो रिमेन ओवर देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन वाइल एमजीओ इज ट्रेवर्सिंग। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फिनोमिना हम लोगों ने देखा था इंडियन ओशियन डायपोल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ये स्टैटिक हो गया यानी कि रिस्पेक्टिव पोजिशन के, जबकि एमजीओ मूविंग है या फिर ट्रांसवर्सिंग फिनोमिना है। ये टोटल 8 फेज में गुजर रही होती है, 8 फेज में होती है, हालांकि सारे फेज के बारे में हमें देखने की कोई जरूरत नहीं होती है, रिसर्चर्स देख रहे होते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है।
तो जब ये इंडियन ओशियन की तरफ बहती है, मतलब कि पहुंचती है, तो उस जो मॉनसूनल एक्टिविटी हो रही है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देती है। ऑन द अदर हैंड जब ये आगे मूव करके पैसिफिक ओशियन की तरफ जाती है तो इंडियन ओशियन को ये बुरा प्रभावित कर देती है, क्योंकि अगेन वेस्टर्न साइड जो बन गया वो वेस्टर्न साइड साउथ ईस्ट एशिया का इलाका आ जाता है, जहां पर अब रेनफॉल ज्यादा अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन साइड में ड्रॉट सिचुएशन फील करना पड़ेगा। तो इट इज लिंक्ड विद द इनहेंस्ड एंड सप्रेस्ड रेनफॉल एक्टिविटी इन द ट्रॉपिक्स एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मॉनसूनल रेनफॉल। तो ये हम लोगों ने बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम देखा, पूरी की पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म एमजीओ की देखी। अब थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नियरली अभी हम लोगों ने देखा कि 30 टू 60 डेज के लिए पूरा का पूरा एमजीओ एक इलाके में बना होता है और इस तरीके से 30 डे तक ये लगातार हैवी रेनफॉल गुड रेनफॉल कर सकता है। ये लगभग लगभग 40 दिन तक इंडिया में बना होता है और इस तरीके से इट डज नॉट गिव गुड शावर एंड कुड नॉट इवन लीड टू अ ड्राई मॉनसून। तो शॉर्टर साइकिल होने के कारण से इंडियन मॉनसून ठीक ठाक रहता है, ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं होने पाता है। तो प्रेजेंस ऑफ एमजीओ ओवर द पैसिफिक ओशियन अलोंग विद द एल नीनो इज डेट्रिमेंटल फॉर मॉनसूनल रेन, क्योंकि अगेन क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, दो तरीके से प्रभावित हो रही होती हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी आज की डिस्कशन, काफी डिटेल में और काफी नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जनरली बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है, तो आप इन सोर्सेज का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।